ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲੂਕਾ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मुआफी ना मंगण ते कानूनी कार्रवाई की चेतावनी इत्थे सिकंदर सिंह मलूका ने दे दित्ती है सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों गुरप्रीत कांगड़ नूं इत्थे माणहानी दा नोटिस जारी किया तुहानूं दस दईए कि पहला इस मामले दे विच कांगड़ दे वल्लों पार्टियां बदलण उत्ते तंज कसिया गया सी मलूका ने भी इस दौरान तंज कसिया सी तां कांगड़ ने भी मलूका उत्ते निजी टिप्पणी की सी जिस दौरान ये मामला जिस तों बाद ये मामला निकल के सामने आया तो हुण इत्थे दो साबका मंत्री आमो सामने हुए ने कांगड़ ने भी इस दौरान मलूका उत्ते टिप्पणी की सी निजी टिप्पणी करन तों बाद इत्थे मलूका दे वल्लों सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों गुरप्रीत कांगड़ नूं नोटिस जारी किया गया माणहानी दा सिकंदर सिंह मलूका ने गुरप्रीत कांगड़ नूं इस बाबत मानहानी दा नोटिस भेजा ते नाल ये भी गल आखी है कि जे मुआफ़ी ना मंगी सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों चेतावनी दित्ती गई है जे मुआफ़ी ना मंगी गई थी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी कांगड़ ते पार्टियां बदलण ते गंभीर इल्जाम तंज कसिया गया सी इस दौरान सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों समतप्रीत बने हुए ने साडे नाल इस खबर तो उन्होंने रुख कर लेने समय जानना चाहवांगे मामला कित्थों शुरू होया ते हुण कित्थे पहुंचया है की कुछ इस मामले दे विच फिलहाल चल रहा है जी देखो गुरप्रीत कांगड़ अते सिकंदर सिंह मलूका 2002 तो लेके 2022 तक यानी कि तिल नौ तक वह आमण सामने खड़ते हुए नजर आए हैं लगभग 20 साल के इस विरोधी धिर की भूमिका निभाने कांगर हमेशा ही सवाल ने जो सिकंदर सिंह मलूका के उत्ते चुकते हैं सिकंदर सिंह मलूका ने जोड़े वह गुरप्रीत कांगड़ के उत्ते जोड़े सवाल चुकते हुए नजर आए हैं तो इस चलते हुए हुण गुरप्रीत सिंह कांगड़ वालों जो बीते ही कांग्रेस पार्टी के जरा वापसी की गई सी तो उस वक्त विवादित टिप्पणियां ने जिहड़ियां वो सिकंदर सिंह मलूका वालों की गई सन तो जिस तों बाद एक निजी इंटरव्यू दरमियान गुरप्रीत सिंह कांगड़ वालों कुछ गल्लां इहो जिहियां कही गई जिस दे कारण माणहानी का केस है जिहड़ा वो माणहानी का नोटिस है जिहड़ा वो सिकंदर सिंह मलूका वालों जिहड़ा गुरप्रीत कांगड़ नूं भेज दिता गया है तो फिलहाल इस बाबते गुरप्रीत सिंह कांगड़ दा ले कोई जवाब तो नहीं आया है फिलहाल कदों तक कि जवाब आता है और की तर्क ने वो अपना रखते हैं ये देखना हो रही है जी बिल्कुल समत बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा फिलहाल इस तमाम जानकारी लिए सिकंदर सिंह मलूका के वलों इस बाबत साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर इस दौरान गुरप्रीत कांगड़ के वलों जो टिप्पणी सिकंदर सिंह मलूका से की गई उस बाबत अगर मुआफ़ी नहीं मांगते गुरप्रीत कांगड़ तो इतने फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो एक दूसरे उत्ते निजी टिप्पणियां की गई मामला शुरू होया पार्टी के बदलों को लैके उस तो बाद यह मामला इतों तक पहुँचा कि गुरप्रीत कांगड़ के वलों सिकंदर सिंह मलूका से निजी टिप्पणी नहीं की गई तो सिकंदर सिंह मलूका वालों इतने चेतावनी जारी कर दी गई है तो इस मामले के लगातार अपने दर्शकों तक सांझी जानकारी कर रहे हैं कि मुआफ़ी ना मंगण उत्ते इत्थे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है पंजाब के दो साबका मंत्री हैं जो आमो सामने हुए ने इस मुद्दे को लैके बयानबाजी को लैके हालांकि अक्सर ही बयानबाजी की जाती रही है एक दूसरे के वार पलटवार करते रहे हैं पर इस वरदे हुए एक दूसरे ते नजर आए निजी टिप्पणियां एक दूजे ते कीतियां गईयां हन ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
कांगड़ साहब कहते हैं सिकंदर सिंह मलूका के बड़ी निजी टिप्पणी की है तुसी होना ते की ये मामला है की टिप्पणी की तुसी जदों दा मैं राजनीति च आया जी ते मलूका साहब जदों दे राजनीति च आए ने ये हमेशा मेरे ते जाती वार करते रहे अज तक तुसी जिहड़ा हुण इन्हां ने मेरे ते जो नोटिस दिता दे रहे ने जे तुसी इन्हां दी पहली इंटरव्यू वेखो उहदे विच इन्ने बड़े माड़े शब्द जेड़े कि मैं बोल भी नहीं सकता इन्होंने मेरे खिलाफ इन्ने गंदे शब्दों की वरतों की उस नूं वेखदे होए मैं इन्हां दा जवाब दिता कोई मैं इन्हां नूं गलत काम कोई गाल गलोच कोई माड़ा शब्द कुछ नहीं किया ओह साढ़े आने वाले समय दे विच जिथे भी कोई अदालत च केस जाऊगा उत्थे मान योग साडी अदालत वेखूगी जो साडा असी आपदा इन्हां ने सानूं नोटिस जारी किया बिलकुल जी नाल एक होर सवाल है कांगड़ साहब जिवें ओ कह रहे ने तुहाडे ते इल्जाम लगा रहे ने कि तुसी एक निजी टिप्पणी कीती है यानी कि तुसी इह जानना जरूर चाहवां कि क्लैरिफिकेशन कि कैरेक्टर असैसिनेशन नाल लैके है या फिर की आखिर उन्हां दे वल्लों आख्या जा रहा फिर वधा चढ़ा के बोलिया जा रहा उन्हां दे वल्लों बिलकुल जे तुसी जिहड़े शब्द मैनू बोले है मलूका साहब ने ते जे मैं जिहड़ा जवाब दित्ता उहदे बारे तुसी कंपेयर कर लिओ इह पता लग जाऊगा तुहानूं वी गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने की बोलिया ते मलूका साहब ने की बोलिया अपने उन्होंने मूँह की खानी पै जानी है और लोगों लोग जनता जी पंजाब की है तो हल्के की जिस दिन उन्होंने मैनू बड़े अपशब्द बोले एक पशु के नाल तुलना की लोग उन्होंने इस गल बारे बहुत लोगों के नाराजगी है लोगों के बहुत ज्यादा गुस्सा है इस प्रति हमेशा ही उन्होंने जो भी टिप्पणियां करते रहे ने जाति तौर पर साढ़े से हमले करते रहे पर वाकई कांगड़ साहब दुखद है क्योंकि तुसी दोहें आगू हो साबका थे कैबिनेट मंत्री रहे हो पर तुसी नुमाइंदगी करते हो एक पंजाब की वख-वख सूबियां दे विच जांदे हो तुहाडी अपनी एक इमेज है इसका सीधे तौर उत्ते असर भी पैंदा है हर आगू नूं एक मर्यादा दे विच शब्द वरतने चाहिए ने तुहानूं नहीं लगता बिल्कुल ठीक है जी मैं इस गल दे नाल शर्मशार हाँ जे इह जे बंदे नाल साडी मंदभागी है मेरी जिहड़ी इह जे बंदे नाल मैनूं सियासी लड़ाई लड़नी चाहीदी है जिन्हां नूं कोई कदरां कीमतां ही नहीं पता ठीक है साडे गुरु महाराज की कृपा ने साडे मत्थे ते लकीर लिखी भी सी असीं वजीर बने असीं हल्के नूं लीड कर रहे हैं सो साडे मूहों इह जिहियां गल्लां मूँह चों निकलण बहुत ही मंदभागियां ते माड़ी गल है ये होना नहीं चाहीदा ते ओह तां मैथों किड्डी उम्र दे वड्डे ने उहनां नूं तां सोच समझ के बोलना चाहीदा जी कांगड़ साहब ओह मंग कर रहे ने कि तुसीं माफ़ी मंगो तुसीं वी अजिही कोई मंग कर दिओ माफ़ी मंगी जावे मैं ओह तों की माफ़ी मंगनी है ਸਾਥੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਏ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ